हाय गाइस, दिस इज मी सैयद काजम आदरजी फ्रॉम द हाउस ऑफ मीर आदमी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिसर्च करके हिस्ट्री ऑफ अपार्टमेंट्स। इस 2 मिनट की वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि अपार्टमेंट जैसी चीज़ जो कि इस दुनिया में आज जदीद है, मॉडर्न अपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर हीटिंग है, सेंट्रल एयर कंडीशन है, तेज़ रफ्तार लिफ्ट हैं, कार्गो लिफ्ट हैं, बाइसाइकिल स्टैंड है, पार्किंग है, लेजर के लिए आपके लिए एक्टिविटी रूम है, प्रेयर रूम है, जिम है, क्या क्या है। ये आए तो आए कहाँ से? अपार्टमेंट्स रोमन ईरा में भी थे, लेकिन उस वक्त वो कम्यूनल्स के नाम से जाने जाते थे, जहाँ पे लोग आपस में रहते थे। ऐसे अपार्टमेंट जैसी बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर्स तब भी थे, लेकिन असल अपार्टमेंट्स मॉडर्न दुनिया में 1800 में पेरिस में सबसे पहले पाए गए। वहाँ पे अपार्टमेंट का जो बनने का रीज़न था वो सिर्फ दो थे, एक इनएक्सपेंसिव करना और साइज़ छोटा करना। तो आपको अपार्टमेंट वहाँ पे बनते नज़र आए। अगेन फास्ट फॉरवर्ड 1800 से 1900 पे आते हैं, 19th सेंचुरी में जब आते हैं तो हम देखते हैं कि यूरोप साइड पे, न्यूयॉर्क साइड पे, यूएस यूके साइड पे, यहाँ पे यूरोपीय ममालिक में लेबर वगैरह इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाती है, तो बहुत लेबर वगैरह आ रहे होते हैं, तो उनके अकोमोडेशन के लिए अपार्टमेंट बहुत ज़रूरी थे। तो रिचर्ड हंट नाम था उनका, जिन्होंने फर्स्ट यूएस में अपार्टमेंट्स इन्वेंट किए, जिसके मतलब भी अपार्टमेंट का ये निकलता है कि टू सेपरेट। तो अपार्टमेंट्स लॉन्च किए, वो अपार्टमेंट में जो थे वो आज जैसे अपार्टमेंट नहीं थे, वो बहुत ही खस्ता हालत के थे। रेल रोड अपार्टमेंट्स कहा जाता था उनको, कि जैसे आप फॉर एग्जांपल रेल रोड यानी आप ट्रेन के कंपार्टमेंट में चढ़ते हैं तो लेफ्ट राइट पे बस 2 कमरे होते हैं, दैट्स इट, इस तरह की चीज़ें। तो अनसैनिटरी, नॉट प्रॉपरली प्लान्ड, कोई निज़ाम नहीं, इस तरह के अपार्टमेंट देखने को मिले। और इसी तरीके से आते आते 20th सेंचुरी में वो बेहतर हुए। पहले क्या होता था, नीचे वाले फ्लोर के जो होते थे वो रेट कम होते थे, ऊपर वाले के ज़्यादा होते थे। और अगेन जदीद दुनिया है तो उनको पता लगा कि लिफ्ट लग गई है, सारी चीज़ें, लाइट नहीं जाती है, तो ऊपर वाले फ्लोर के रेट ज़्यादा होते गए। तो होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको आज पता लगा कि जदीद अपार्टमेंट की हिस्ट्री आई तो किस तरीके से आई। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ, हमारा भी ग्राउंड प्लस 8 का अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, अमीर आदमी का, पार्क फेसिंग वेस्ट ओपन कॉर्नर अपार्टमेंट्स, लिमिटेड यूनिट्स हैं, तकरीबन 3-4 फ्लोर सोल्ड आउट हो चुके हैं। वही एमिनिटीज़ हैं जो मैंने आपको अभी बताई, जो कि एक अच्छे अपार्टमेंट में होती है, तेज़ रफ्तार लिफ्ट्स, खुशादा लॉबी, अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे तो एक कैफ़े आपको वेलकम कर रहा है, बेसमेंट में जाएंगे तो आपके लिए जिम है, इस तरीके की चीज़ें हैं। 1 बेड अपार्टमेंट में, 2 बेड अपार्टमेंट में, 3 बेड अपार्टमेंट है, सस्ती प्राइसिंग है, लिमिटेड यूनिट्स हैं, आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करें, आपका फ़ायदा होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।